ये सफाई ना मेरी खुद की सफाई नहीं है, ये सफाई ना मेरे घर की सफाई नहीं है, ये सफाई है हमारे देश की सफाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। बॉस आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो थोड़ा सा ना डिफरेंट होने वाला है, बता क्यों? क्योंकि आज हम सफाई करने वाले हैं। और सफाई से याद आया, मतलब बताता हूँ मैं, अभी 10 बज रही है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हो गया है। और सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, मैं आता हूँ। ये तो भैया अपन भी चलते हैं इनके साथ, क्या कर रहे हैं भाई साहब हमारे, क्या मतलब क्या One eternity later. आ गए क्या? दे आ गया ना शांत। आ गए, मतलब ढंग से करने भी मत दो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नीचे स्कॉल दो, नीचे गए तो ये थोड़ा सा हमें परोठा दिया है। अभी हम कहीं बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है ना। हम नीचे जाते हैं घर पे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, हमको बोलते हैं अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये लेना पड़ेगा। और ये क्या है? कोरोना का काढ़ा। ये पिए ना मूड ख़राब हो जाता है। तो गाइस जो भी है, जैसा भी है, मज़ा आने वाला है वीडियो में। और फिर काम करते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। और मिलते थोड़ा हैं सा, थ्री थोड़ा सा पी भी लेते हैं, मिलते हैं यार, मिलते हैं 3, 2, 1 में। तो गाइस फाइनली आज हमने सुबह हमारे इसकी सफाई तो कर ली। अब सोचा हम जब सबकी सफाई कर रहे तो हम हमारे रूम की भी सफाई कर लेते हैं। मतलब कितने 2500 करोड़ साल हो गए यार, मैंने इस रूम की साफ सफाई नहीं करी है। मतलब पड़ा है यहाँ पे, ये पड़ा है वहाँ पे, वो पड़ा है। ये बैचलर कैसे रहेंगे? तो घर पे है तो थोड़ा साफ सफाई करना पड़ता है। नीचे से हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ से भी हमको कॉल आता रहता है, भाई साफ सफाई कर लो। तो हमने सोचा कर ही रहे तो आज ये भी कर लेते हैं। तो हमारा साथी रेडी है, रेडी है तू? बोलो हाँ हाँ, वेरी गुड। साफ सफाई करेगा क्या? नहीं करेगा? हाँ ठीक है, तो चल चल मेरे साथी, चल चल मेरे साथी, चल मेरे। कभी ये बहुत ज़्यादा पसारा हो रहा है, कैसे तू शूट कर रही है? अबे यार बंद कर, बंद कर यार। एक गाइस एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ये साफ सफाई करता हूँ, मैं उसके बाद मिलता हूँ आपसे। चलो थोड़ा हम दिखा देते हैं क्या? अबे यार कैमरा नहीं यार, गुरु कैमरा नहीं, प्लीज यार। कैसे सफाई कर रहे हम लोग? ये देखो ये मतलब क्या क्या पसारा कर रखा है। नहीं क्या कर के रखा है? गाइस कुछ भी नहीं है यहां पे, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर अरे अगर अगर आप इस टेडी बियर की हालत देखेंगे ना तो आप खुद देखो क्या यार कैसा। इसका मतलब ये इसकी तबीयत खराब हो गई थी तो उसका मैंने थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया, बट कुछ निकला नहीं, समझ में नहीं आया। मतलब ये देखो कैसे अंदर गादी है, क्या कैसे चद्दर बिछा रखा है यार। तो साफ कर रहा हूं ना मैं, तो सही से साफ करो ना। बस 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 बस, ये थोड़ा बहुत पड़ा है। ये क्या है यार, ये सब नहीं दिखाते ना। ये क्या है, ये क्या है? कुछ नहीं है, सब हटाओ उसको। ये सब अभी हम करके फटाफट से क्लीन करके फिर मिलते हैं, मिलते 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 बाय। थक गया मैं, पसीना दिख रहा। सफाई इज़ नॉट ईजी काम बॉस, नॉट ईजी काम। चलो फाइनली एक सफाई और हो गई, अब मिलते हैं दूसरी सफाई के लिए एक 10 मिनट बाद, मतलब आपके लिए 3, 2, 1 गो। तो गाइस हमारी दूसरी सफाई हो गई थी, अब हम करने वाले हैं हमारी तीसरी सफाई। थोड़ी सी डिफरेंट है वो भी, ठीक है। उसके लिए हमें एक अलग शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो शस्त्र ही दिखा देता हूँ। तो वो शस्त्र है ये, और ये चलता है ऐसे। तो ये बहुत खतरनाक है, इससे रिस्क ना ले, ठीक है, कोई भी रिस्क ना ले। और अभी हम इससे क्या करने वाले थे मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आओ कैमरा मैन, इधर इधर इधर। ये जो रस दिख रही है ना आपको, ये पूरी रस हो चुकी है चारों तरफ पूरी टेबल पे। तो हम क्या करने वाले हैं, इससे इस रस को क्लीन करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडी 1, 2, 3 गो करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने टेबल पूरी क्लीन कर ली है। और ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सारी जो रस थी ना, ये रस पूरी की पूरी चली गई है चारों तरफ से, हर एक कोने से, ठीक है। एंड दैट वाज अमेजिंग, अच्छा एक्सपीरियंस था। बट डोंट ट्राई दिस एट होम, मैंने सेफ्टी के साथ किया है, ठीक है। ये कोई खेल नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता था, हल्का सा भी इधर उधर कुछ चीज़ें हुई और कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स इट। और अभी हम करेंगे अब हमारे आज के दिन की
आखिरी सफाई और बाकी बातें नीचे करते हैं। चलो Two hours later. Okay guys, तो आते हैं हमारे चौथे और आखिरी सफाई के मोड पे। और ये सफाई ना मेरी खुद की सफाई नहीं है, ये सफाई ना मेरे घर की सफाई नहीं है, ये सफाई है हमारे देश की सफाई। जी हाँ, और ये सिर्फ मैं नहीं, ये हम सबको मिलके करना है। यस, तो मैं बात कर रहा हूँ 59 ऐप्स की, जो 59 ऐप्स मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने और गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वो बैन हो चुके हैं, डेट इंक्लूड्स टिकटॉक, शेयर इट, के वाई, यूसी ब्राउज़र। ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये है 59 ऐप्स जो बैन हो चुके हैं। टिकटॉक जो है वो आपको भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं दिखेगा, बट बाकी ऐप्स हैं अभी, बट आई थिंक बहुत ही जल्दी वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। एंड जहाँ तक मेरा सोचना है ना, ये बैन क्यों हुआ है, तो एक काम करते हैं, लेट्स टॉक कि ये बैन क्यों हुआ है। गाइस, डेटा एक ऐसी चीज़ है ना कि वो कुछ भी करा सकती है। आपके पास 10,000 लोगों का डेटा है और आपके पास एक ऑडी है। गाइस, वो जो 10,000 लोगों का डेटा है ना, वो मोर वैल्यूएबल है देन योर ऑडी। तो आप सोच सकते हो डेटा की इम्पॉर्टेंस कितनी है। हम जो भी हमारी लाइफ में कर रहे हैं, हम जितना भी हमारा प्राइवेसी है, जो भी है, वो सब डेटा के फॉर्म में आए। और अगर वो डेटा ही चला गया तो हमारी प्राइवेसी कहाँ रह जाती है। अगर कहीं से भी डेटा लीक हो रहा है, कोई डेटा आपका चुरा रहा है और उसमें मॉडिफाई करके कुछ भी चीज़ें हो रही है, मैंने ये नहीं कहूँगा कि जो चाइना और इंडिया के बीच में भी चल रहा है इसकी वजह से ये ऐप्स बंद हुए हैं, बिल्कुल नहीं। इस वजह से मेरे को नहीं लगता इस वजह से हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, लीक हो रहा है। तो हम जब भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, हमें अलाउ का ऑप्शन आता है, डिसअलाउ का ऑप्शन आता है, ठीक है। हम यूजुअली अलाउ करके फटाफट से ऐप को रन कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसमें आप इसमें ये अलाउ मांगती है तभी ये ऐप रन होता है, जो कि यूजलेस है। आपको उसको अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो फिर भी मांगती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायद डेटा का खेल है, जैसा मुझे लगता है। आई डोंट नो क्या है, इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपकी क्या थिंकिंग है, क्यों बैन हुआ। शेयर इट भी बैन हो चुका है, तो हम शेयर इट को भी अनइंस्टॉल कर देंगे। ओके, और हमारे पास है यूसी ब्राउज़र, तो हम यूसी ब्राउज़र को भी अभी अनइंस्टॉल कर देंगे। तो गाइस, यही दो ऐप्स थे मेरे फ़ोन में। अगर आपके पास ऐसे कोई ऐप्स हैं तो अपना जो डेटा है वो उसको कहीं ना कहीं सिक्योर कर लो, मेमोरी कार्ड में डाल लो, कहीं पे भी लैपटॉप में डाल लो, और वो ऐप्स को फटाफट से डिलीट कर दो, क्योंकि पता नहीं कब बैन हो जाएगा और फिर शायद आपका डेटा क्रैश हो जाए, आपको मिले ही ना वापस। तो उससे बेटर है उसको सेफ साइड में रख लो, उसको डिलीट कर लो, एंड दैट्स इट। और भाई, टिकटॉक मतलब अच्छा हुआ बैन हुआ, क्योंकि यार घर पे बैठ के ना ऐसे लोग ऐसे करते हैं, बस देखते जाते हैं, 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, इतना एडिक्टिव ऐप था। आई नो, ठीक है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग थी बट बहुत सारी चीज़ें नॉनसेंस थी। मुझे उस पर नहीं जाना है, ठीक है, जो भी है जैसा भी। वैसे भी हम कोरोना से तो फाइट कर ही रहे हैं, अब एंड चाइना से भी फाइट कर ही लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो इफ़ यू इंजॉयड, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन ठोक दो यार, मस्त दबा दो मस्त, ठीक है। और शेयर कर दो वीडियो यार, प्लीज़ यार, मतलब आप लोग पता है देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, ये जो लोग हैं जो रो रहे हैं, क्या इनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, क्या टिकटॉक वापस आ सकता है। एंड थोड़े वीडियोस के आइडियाज़ दे दो यार, घर पे बैठ के क्या क्या बना सकते हैं, आई विल चूज़ वन ऑफ देम, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, एंड दैट्स इट। तो समाप्त करते हैं यहीं पे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। तो गाइज, एक छोटा सा ना प्रैंक करने का मन कर रहा है, ठीक है। अब हमने इतना कचरा निकाला है, मतलब हमने साफ़ सफाई करी है, तो मैंने सोचा एक और साफ़ सफाई कर लेते हैं, ठीक है। वो मैं बताता हूँ क्या, एक मिनट, गुड़िया को बुलाते हैं, छोटा सा प्रैंक है, ठीक है। अगर मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक ठोके जाना। गुड़िया इधर आ, जल्दी आ, फटाफट जल्दी आ, बाहर आ, झूठा बाहर आ ना। वाला वाला